हे गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल निडिल गर्ल। तो आज हम लोग एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट क्रिएट करने वाले हैं। अभी एक सॉन्ग बहुत ट्रेंड में चल रही है, विकी कौशल और सारा अली खान की, तेरे वास्ते फ्रॉम जरा हटके जरा बच के। उस पे जो सारा अली खान ने ड्रेस पहनी है वो मुझे बहुत पसंद आई, और जब मैंने वो सॉन्ग देखा तभी मैंने सोच लिया ऐसा ही ड्रेस मैं जरूर बनाऊंगी। तो आज हम लोग तेरे वास्ते सॉन्ग पे सारा अली खान ने जो ड्रेस पहनी है, पेप्लम टॉप और शरारा, उसी को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी मार्केट फैब्रिक लाने के लिए, तो लेट्स गो। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा। ये मैं आ गई अपना कोहिनूर मार्केट। यहाँ पर मैं बहुत सारी शॉप पे गई बट मुझे जैसा फैब्रिक चाहिए वैसा मिला नहीं, तो मैं मार्केट के अंदर गई। यहाँ पर एक फैब्रिक शॉप है, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन रहती है। मुझे पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो ये एम्ब्रॉयडर्ड चिकनकारी फैब्रिक मैंने सिलेक्ट की है। तो सारा अली खान से मैच नहीं कर रही है बट हाँ, कलर मैच कर जाएगा। ये 350 रुपीज़ मीटर बोल रहे थे, फिर इन्होंने 300 रुपीज़ में दे दिया। 5 मीटर ली है, 2.5 मीटर शरारा के लिए और 2.5 मीटर पेप्लम टॉप के लिए। यहीं से मैं अस्तर लेने का भी सोच रही थी बट अस्तर का जो अर्ज है वो छोटा है, तो इसीलिए मैं दूसरी शॉप पे गई। यहाँ से मैंने कॉटन का अस्तर लिया है, समर्स के लिए कॉटन बेस्ट है। 3 मीटर मैंने अस्तर ली है, 1 मीटर ऊपर के लिए और 2 मीटर शरारा के लिए। 35 रुपीज़ मीटर ये मुझे मिला। उसके बाद यहीं से मैंने 3 मीटर नेट फैब्रिक लिया है स्लीव्स और दुपट्टा बनाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं लेस शॉप पे। तो आप लोग पूछते हो ना आप कहाँ से लेस लेती हो, अच्छी लगती है बहुत, तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लेस की दुकान जहाँ से मैं लेसेस वगैरह खरीदती हूँ। कुश्तिया मैदान ऑटो स्टैंड से अशरफ बिरयानी की तरफ जो गली जाती है उस गली पे ही ये भैया का शॉप है। अगर आप अपने इलाके से हो तो इनके शॉप पे ज़रूर आना। आज जब उनको पता चला मैं यूट्यूब वीडियोज बनाती हूँ, वो सुन के इतना खुश हो गए और इतना मुझे दुआ दे रहे थे, बहुत मेरे लिए दुआ कर रहे थे और बहुत सारी एडवाइस दे रहे थे कि भैया मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी लेसेस ली हैं, कितना लिया है और क्या प्राइस है, वो सब मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लेना। तो मेरी शॉपिंग हो गई है, अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो मैं अभी शॉपिंग करके आ गई हूँ और आपने देखा ही होगा मैंने क्या क्या लिया, फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी मेन फैब्रिक और उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है, इस पे है लाइनिंग और लेस। पहले हम लोग पेप्लम टॉप की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और ये कॉटन का फैब्रिक है वो 1 मीटर, ये कहाँ पर लगेगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल इसे हम लोग साइड में रखते हैं और लाइनिंग को सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को आप कटिंग करने से पहले अच्छे से आप श्रिंक कर ले, मतलब 2 घंटा पानी में अच्छे से इसे वॉश करके उसके बाद इसको सुखा कर आयरन करके आप इस पे कटिंग करें, तब आपकी लाइनिंग छोटी बड़ी नहीं होगी। लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड कर ली है, फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अपर पार्ट के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 14 इंच अपर पार्ट ले रही हूँ और 1 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। इन दोनों निशानों को स्केल से सीधा कर लेना है। उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। बैक नेक मैं थोड़ा सा डीप रखने वाली हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 12 इंच शोल्डर है, उसका आधा मैं 6 इंच ले रही हूँ। अब आर्महोल भी उतना ही ले लेंगे, 6 इंच। इस निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे और ऊपर से भी निशान को मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम लोग इस लाइन पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच और वेस्ट का निशान मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब ये फिटिंग के निशान को पहले हम लोग मिला लेंगे, उसके बाद 2-2 इंच मार्जिन लेंगे चेस्ट पे और वेस्ट पे और इन निशानों को भी स्केल से मिला लेंगे। इस लाइन से अंदर हम लोग 1/2 इंच मार्क करेंगे और यहाँ तक मिला देंगे स्केल से इस तरह से। उसके बाद बाहर वाली लाइन से आपको 1 इंच ऊपर मार्क करना है और आर्महोल की शेप दे देना है। अंदर वाली जो लाइन है वहाँ से 1 इंच ऊपर उठाकर सेम आर्महोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक आर्महोल ड्रॉ हो गई। इसे यहाँ से हम लोग 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर से। तो ये देखिए हमारी अपर पार्ट की ड्रॉइंग हो गई है, अब इसे हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी अपर पार्ट कटिंग हो गई है। अब आपको मेन फैब्रिक ले लेना है और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने कॉटन का फैब्रिक, ये हमारे पास जो कॉटन का फैब्रिक है, इसे हम लोग बस 1 फोल्ड लगाएंगे और लगाकर बराबर से आप मेन फैब्रिक से मिलाकर आपको रखना है। फोल्डेड साइड दोनों की एक ही तरफ होनी चाहिए। ऊपर से प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक को छोड़कर हम लोग अस्तर को लगाएंगे। कटिंग कर लेना है मेन फैब्रिक को भी और कॉटन की फैब्रिक को भी एक साथ कटिंग कर लेना है। अब देखिए नीचे से आपको वेस्ट की तरफ से यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से आप हल्का सा गुलाई में शेप दे देंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप अस्तर की अंदर वाली फैब्रिक को निकाल लेंगे, इस तरह से कॉटन की फैब्रिक को ले लेंगे और मेन फैब्रिक की कोई भी एक लेयर को आपको हटा देना है। हटा देने के बाद इन तीनों के फ्रंट आर्महोल को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट की मेन पार्ट लाइनिंग और डिज़ाइन बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक कट हो गई है और ये हमारी बैक पार्ट है लाइनिंग और मेन फैब्रिक बस। अब मैं आपको बताती हूँ लोअर पार्ट आपको कैसे निकालना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है। लोअर पार्ट की लेंथ को निकालने के लिए आपको अपर पार्ट से टोटल लेंथ को माइनस करना है। तो मेरी जो अपर पार्ट है वो 14 इंच है और मेरी जो टोटल लेंथ है वो 13 इंच है। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आप इंची टेप को 14 इंच जितना आपका अपर पार्ट है ऊपर रखेंगे और बाकी जो नीचे 13 इंच जहाँ तक आपकी लेंथ आ रही है टोटल, वहाँ तक
आपको मार्क कर देना है, ये आपकी घेर का लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद आपको फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेना है और अपर पार्ट को लोअर पार्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए मार्जिन लेना है। जैसे मैंने नीचे से फैब्रिक को कट करी है तो ये जो जॉर्जेट वाला हिस्सा है यही मेरा मार्जिन रहेगा। बस मैंने लोअर पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली है अपर पार्ट से ज्वाइन होने के लिए। सिंपल, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब आते हैं लोअर पार्ट के विड्थ के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई ली है वो 22 इंच ली है और दो अलग अलग फैब्रिक है क्योंकि फ्रंट से ओपन रहे, सारा अली खान की फ्रंट से घेर में ओपन है। 22 इंच की चौड़ाई में दो फैब्रिक ले ली है और लेंथ सेम है। बैक का जो लोअर पार्ट है सेम उतना ही मैंने लंबाई में ली है। बैक पार्ट की जो चौड़ाई ली है मैंने वो 54 इंच है, थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने बैक पार्ट में घेर। आप फ्रंट पार्ट के साथ इक्वल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पर कोई खुला नहीं रहेगा, ये एक साथ ही इस तरह से, ये देखिए ऐसे गैदर्स इस पर लगेंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं स्लीव्स की तरफ। तो ये देखिए, ये जो हमने नेट फैब्रिक ली है स्लीव्स और दुपट्टा बनाने के लिए, तो चलिए हम लोग स्लीव्स की कटिंग इससे करते हैं। नेट को इस तरह से 4 फोल्ड कर ली है नीचे की तरफ से, तो 19 इंच की स्लीव्स रहेगी। 1 इंच मैं मार्जिन ले रही हूँ, 20 इंच टोटल ऊपर पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से। अब इस निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे। अब आपको ऊपर से 4 इंच पे मार्क करना है, इस निशान को स्केल से सीधा कर लेंगे, फ्रंट वाली अपर पार्ट को लेंगे और 1/2 इंच ऊपर से छोड़कर इस तरह से आपको मेजर करना है इंची टेप से चेस्ट के निशान तक। तो ये देखिए, ये 7.5 इंच आ रही है। स्लीव्स की इस लाइन पे आपको आमूल का निशान लगाना है, तो हमारी आमूल 7.5 इंच थी, उससे आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क करूंगी। कुर्ती की आमूल एज इट इज यहाँ पर बैठाने से स्लीव्स बढ़ जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा माइनस करती हूँ स्लीव्स लेंथ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्क कर दिया। अब ऊपर से आपको 3 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से आपको गोलाई में यहाँ तक मिला देना है। अब मोरी हमारी 7 इंच है, उसका आधा यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और नेट फैब्रिक है, आराम से हाथ गल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद आपको 1 इंच मार्जिन ले लेना है। अब लेग शेपर की हेल्प से इस निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, फिर मार्जिन वाले निशान को ऐसे मिला लेना है आपको। अब स्लीव्स को हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, आपको स्लीव्स को खोल लेना है और इसका तो उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, तो सिंपली आपको किसी भी एक तरफ से 1/2 इंच आपको ट्रिम कर देना है आर्महोल की तरफ। तो ये देखिए, हमारी अपर पार्ट, लोअर पार्ट, फ्रंट और बैक अलग अलग निकल गई हैं और स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं शरारा की तरफ करेंगे। शरारा बोले तो यहाँ पर मैं अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करने वाली हूँ। इसे कटिंग करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। ये फ्लोर पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया है ताकि आप प्रॉपरली देख सको। तो अभी ये फैब्रिक डबल फोल्ड में है, इस तरह खुली हुई है, खुली हुई कॉर्नर्स को ही आपको इस तरह से पकड़कर यहाँ मिलाना है, ओरिप में फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हम लोग हिप साइज का निशान लगाएंगे, वेस्ट साइज का निशान नहीं लगता। इंची टेप से आपने जितनी हिप राउंड मेजर की है उस पर आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और उसे 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको इंची टेप से ऐसे ऊपर से आना है और चेक करना है कहाँ पर आपकी हिप साइज बैठ रही है, वहीं पर आपको एक सीधा लाइन खींच लेना है। इस तरह से लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इस लाइन से 2 इंच छोड़कर 2 इंच बेल्ट हमारी ऊपर से लगने वाली है, तो इस तरह से 2 इंच इस लाइन से उठाकर रखेंगे और नीचे हम लोग लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी जो है वो 35 इंच है और प्लस आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। अस्तर में हमेशा 2 इंच माइनस हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस नहीं करने वाली हूँ इसीलिए क्योंकि 2 इंच मैं फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 37 इंच पे मार्क कर लूँ। अब आपको इंची टेप को ऊपर लेकर जाना है एकदम कॉर्नर पे, आपको इंची टेप को रखना है इसके ऊपर। आप कुछ भारी चीज रख दें, उसके बाद आप अपनी लेंथ फिर से मेजर करेंगे, जहाँ तक हमने निशान लगाई थी वहाँ तक फिर से मेजर करेंगे। तो ये देखिए, ये 45 इंच हो गई है बिकॉज हमने इंची टेप को ऊपर रखा है, तो लेंथ बढ़ गया है। 45 इंच पूरे में मार्क कर देना है इस तरह से इंची टेप को धीरे धीरे घुमा कर। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। उसके पहले ये देखिए, यहाँ पर हमारा 2 लेयर में लेंथ कम रही है, तो इसे हम लोग ज्वाइन करके बढ़ा लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसे हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो गई है। अब लगे हाथ बची है फैब्रिक, इसे खोल लेना है और खोल कर देखिए एजेस है, इसे हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ऐसे घुमाकर कॉर्नर वाली साइड को आपको उस तरफ देना है और उसके बाद आप ऐसे प्लेस कर देंगे। अब आपको अगर कटिंग दिख रही है तो आप वैसे ही देख कर कट कर ले, नहीं तो आप फिर से इंची टेप को इस तरह से रख देना है। आपको रखने के बाद फिर से आप उतना ही मार्किंग कर ले जहां से आपको पता नहीं चल रहा, मार्किंग करके फिर उसकी कटिंग कर लेना है। पिन से जरूर आप सिक्योर कर ले पहले ही इस जॉइंट को, उसके बाद आप मार्क लगाएं और कटिंग करेंगे। तो अब यहां से आपको खुली हुई तरफ से आसन का निशान लगाएंगे, जितनी अपनी हिप साइज मार्क की 10 इंच, उस पर आपको 2 इंच और ऐड करना है 12 इंच। ये देखिए, मैं 2 इंच इस तरह से ऊपर उठा कर रखूंगी क्योंकि बेल्ट अलग से लगने वाली है। तो इस तरह से आप 2 इंच ऊपर उठा कर रखें और ना आपका है 12 इंच, उतना आप निशान लगा लें। अब ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये 10 इंच की अभी है आसन, ऊपर से अलग से बेल्ट लगेगी 2 इंच की, तो ये 12 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इस निशान से अंदर की तरफ आपको 2 इंच बढ़ाना है, ऐसे आपको तिरछे में लाइन खींच लेना है। उसके बाद हल्की सी आप गोलाई में क्रॉच की शेप लगा दें, ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे बेल्ट ज्वाइन होने के लिए इस तरह से हल्की सी सर्कल में। उसके बाद हम लोग इसे भी कट कर लेंगे, आसन को भी कट कर लिया
है मैंने, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो बेल्ट लगेगा वो मैं बस मेन फैब्रिक से ही बेल्ट कटिंग करूंगी, अस्तर नहीं लेने वाली। तो अब चलिए हम लोग मेन फैब्रिक को कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक को भी मैंने सेम वैसे ही बिछा लिया है ओरेप में, जैसे मैंने अस्तर को बिछाया है। अब इसके ऊपर हम लोग लाइनिंग को रखेंगे वैसे ही जैसे थी, बिल्कुल वैसे रखना है, और हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाया नहीं है। अगर आप अस्तर में अगर आप 2 इंच घटाते रहे तो यहाँ पर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। अब मेन फैब्रिक में भी आप देखेंगे तो सेम वैसे ही 2 लेयर हमारी लेंथ कम हो जाएगी। सेम ऐसे आपको ज्वाइंट कर लेना है जैसे हमने अस्तर में की है। तो अब हम लोग स्टिचिंग के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक ले ली है, कॉटन की फैब्रिक को हटा दिया है। अब देखिए नेक विड्थ मार्क करेंगे 3.5 इंच पर और नेक लेंथ लेने वाले हैं 12 इंच, और यहाँ से नेक विड्थ हम लोग 5 इंच लेने वाले हैं इस तरह से। उसके बाद इसे स्केल से इस तरह से तिरछे में बॉक्स बना लेना है। इस कॉर्नर से आप 1.5 इंच उठाकर इस तरह से राउंड में शेप लगा दे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर आपको इसकी कटिंग कर लेना है। तो अब इसको खोल लेते हैं, ये देखिए ऐसे, और सीधे के ऊपर आपको उल्टा रख कर इसके किनारे पे आपको सिलाई लगा लेना है। अब इस पे छोटे छोटे कट्स लगाकर आप इसे पलट दे, पलट कर इसे अच्छे से प्रेस कर ले आयन से। उसके बाद इसके किनारे पे आप सिलाई लगाकर फिक्स कर ले। अब हम लोग कॉटन की फैब्रिक को ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग नेक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग ले ली है, गला सेम 3.5 इंच रखूंगी, नेक की लेंथ 7 इंच रखूंगी। स्केल से इस तरह से बॉक्स बनाकर 1 इंच ऊपर उठाकर इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। अब नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी गला बन गई है। अब इसको हम लोग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और सेंटर टू सेंटर मिलाकर आपको ऐसे रखना है, नेक को स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर नेक को हम लोग कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस पे छोटी छोटी कट्स लगाकर इसे हम लोग पीछे की तरफ पलट देंगे। इसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक को रखना है इस तरह से, इन दोनों को अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। आप लोग देख सकते हैं मेन फैब्रिक की नेक विड्थ मैंने दोनों तरफ से 1-1 इंच बढ़ाकर स्टिच कर रही हूँ। बैक नेक हम लोग डायरेक्ट फैब्रिक पे बनाएंगे। बैक नेक की विड्थ मैं सेम 3.5 इंच रखूंगी, बैक नेक की लेंथ 6.5 इंच रख रही हूँ। उसके बाद सेम वैसे ही आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और राउंड शेप दे देना है। अब इसे खोल लेना है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर डोरी बना कर रखी है। तो ऐसे आपको प्लेस करना है डोरी को सीधी तरफ से, 3 इंच नीचे से मैंने डोरी को रखा है। उसके बाद इसके ऊपर आपको अस्तर रखना है उल्टा, और इसके किनारे से आप सिलाई लगा ले। इस पे आप छोटे छोटे कट्स लगा ले और इसे पलट ले सीधी तरफ। तो हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी हो गई है। अब सीधे के ऊपर आप उल्टा इस तरह से रखें और शोल्डर को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। बैक वाले अस्तर को ऐसे खोल लेना है फ्रंट के साथ रैप करके, उसके बाद आप शोल्डर को ज्वाइन कर ले। अब इसे जैसे आप खोलेंगे तो ये देखिए हमारी शोल्डर ऐसे ज्वाइन हो जाएगी। अब हम लोग लोअर पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले आप फ्रंट पार्ट की जो 2 पीसेस है उसे आप इस तरह से सामने की तरफ से फोल्ड कर ले। उसके बाद आपको गैदर्स लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पहले फोल्ड लगा लूँगी ऐसे, और साथ ही में मैं नीचे का जो दामन है उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये पतली सी लेस है, इसे भी अटैच कर लूँगी सेम वैसे। एक्स्ट्रा लेस को कट करके इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई लगा देना है। अब हम लोग ऊपर में बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। किसी भी एक थ्रेड को पकड़कर आप खींचेंगे तो चुन बनती जाएगी। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट रेडी है। अब ऐसे आपको सीधे के ऊपर उल्टा रखकर एक दूसरे से ज्वाइन कर लेना है। एक तरफ ज्वाइन हो गई है, आप दूसरे को ऐसे रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ लोअर पार्ट अपर पार्ट से ज्वाइन हो गई है। अब ऐसे आपको फोल्ड कर देना है, फिटिंग का निशान दोनों तरफ लगा ली है, इसी पे आपको सिलाई करना है। हमारी पेपलम टॉप ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम लोग स्लीव्स को लगाएंगे। ऐसे मैं रख रही हूँ लेस को, और 1 बाय 1 मैं लगाते जाऊंगी ऐसे। तो ये देखिए मैंने 4 लाइंस बनाई हैं। उसके बाद ये जो लेस है इसको मैं नीचे से ऐसे रखूंगी और इसे भी ज्वाइन कर लूंगी। तो लेस की जो कॉर्नर्स है उसे मैंने कैंडल से जला दिया है, तो इसीलिए फोल्ड नहीं करूंगी, सिर्फ बिठाकर स्टिच कर लूंगी। तो ये हमने सारी लेसेस अटैच कर ली है। अब हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से स्लीव्स को सीधा कर लिया है मैंने। अब हम लोग इसे टॉप से अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर और भी लेस ऐड की है, सिर्फ 4 लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो थोड़ी बहुत और लेस ऐड की है। तो स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर ली है। अब अगर आप देखेंगे तो स्लीव्स नेट की है, तो मार्जिन इस तरफ आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन को टॉप की तरफ कर देंगे और यहाँ पर किनारे से एक पूरी आमहुल में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी पेपलम टॉप बनकर रेडी है। अब हम लोग शरारा को स्टिच करेंगे। शरारा की मेन फैब्रिक को खोल लें आप इस तरह से, इंची टेप से आप इसकी हिप राउंड को मेजर कर लें। बेल्ट के लिए फैब्रिक ले लेना है आपको 20 इंच का, ये 2 पीस है और शरारा भी हमारी 2 पीस है। आप चाहे तो एक बार में भी बेल्ट बना सकते हैं। आधा आधा इंच दोनों तरफ ज्वाइन होने के लिए मार्जिन ले लें। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच ली है मैंने।
क्रॉच पे स्टिच लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है, इसे आप खोल कर क्रॉच को आप सेंटर में कर लें। नीचे जो हमारी जॉइंट लगने वाली है लेंथ पे, उसको हम लोग सबसे पहले जॉइंट लगा लेते हैं। जॉइंट लग गई है, अब इसको खोल कर आपको इस पर टॉप स्टिच करना है और नीचे का जो फोल्डिंग है वो भी मैं एक साथ कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारी नीचे की फोल्डिंग हो गई है। अब ये लेस मेरे पास 5 मीटर है तो इसको मैं नीचे पे इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो इसको ना मैंने शोल्डरिंग आयरन से कट कर लिया है ताकि इसकी थ्रेड बाहर ना आए, और अब मैं इसे डायरेक्टली स्टिच कर दूँगी, फोल्ड करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले नीचे से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद ऊपर स्टिच कर ली, अटैच कर ली है। लेस हमारी अटैच हो गई है, इसे अब उल्टी तरफ पलट देंगे फिर से। अब आधा इंच मार्जिन से यहाँ पर हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक की हमारी प्लाजो रेडी हो गई है, मतलब शरारा रेडी हो गई है। सेम वैसे ही मैंने अस्तर को भी रेडी कर ली है। नीचे में देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का फोल्ड लगाया है, तो इसीलिए 2 इंच हमारी अस्तर कम हो गई है। अब आप क्या करेंगे, अस्तर वाली शरारा को आपको उल्टा कर लेना है और मेन फैब्रिक की शरारा आपकी सीधी रहेगी। दोनों अलग अलग पैर के अंदर अलग अलग से आप ऐसे डाल लेंगे, हिप की तरफ आप बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है, अब हम लोग बेल्ट अटैच करेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच पे आपको ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट ज्वाइन हो गई है, इसे आपको पहनाना है। सीधा शरारा है और बेल्ट उल्टा है और ऊपर से हम लोग इस तरह से पहना रहे हैं। चेक ज़रूर कर ले बेल्ट के साथ शरारा इक्वल है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ये मार्जिन को छुपा कर आपको फोल्ड कर देना है इस तरह से। सिलाई जहाँ से आपने शुरू की थी उससे 2 इंच पहले आपको सिलाई को उतार देना है ताकि आपकी इलास्टिक वहाँ से पास हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच चौड़ी इलास्टिक लगा दी है इसके अंदर, और इसकी जो साइज़ रहेगी आपकी वेस्ट से 4 इंच माइनस कर देना है। और इसके अंदर मैंने पहना कर खुली हुई हिस्से को मैंने बंद कर दी है। तो ये हमारा शरारा या फिर अम्ब्रेला प्लाजो जो आप कह सकते हैं रेडी हो गई है। मैंने दुपट्टा भी रेडी कर ली है, साइड में इस तरह से मैंने लेस लगा ली है और इसकी चौड़ाई में भी मैंने थोड़ा सा कम किया है। प्लम टॉप, शरारा और दुपट्टा रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रही है। ऐसे और भी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट की ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।